बच्चों आज के इस वीडियो में हम जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म क्या है देखेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म के टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइसोमेरिज्म, सो बच्चों आइसोमेरिज्म मींस व्हाट, द कंपाउंड्स टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमर एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे टू और मोर कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ओके बच्चों, सो आइसोमेरिज्म क्या मतलब क्या होता है, द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि अब आप एग्जाम्पल देखेंगे, एक जनरल एग्जाम्पल मैं अब डिस्कस करूंगा। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर CH3 CH2OH, ओके, सो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। ओके बच्चों, सो दिस इज इथेनॉल, एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है आपके सामने और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है CH3O CH3, सो उसको हम कहेंगे डायमिथाइल ईथर। ईथर का कंपाउंड है ये डायमिथाइल ईथर। सो अभी ये दोनों एग्जाम्पल में आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके, सो अभी ये हुआ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढेंगे तो फर्स्ट कार्बन का देखो अभी कितने कार्बन है इसमें, 1, 2, दो कार्बन है मींस C2। ओके, हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो 3 + 2 + 1, टोटल कितने हाइड्रोजन हुए 6, C2H6 और एक ऑक्सीजन है। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर। अभी डायमिथाइल ईथर का आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, यस। CH3 मीन्स 2 कार्बन और हाइड्रोजन, दिस 3 6 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, सो टोटल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C2H6O। ओके, सो यानी कि अगर हम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे, इथेनॉल एंड डायमिथाइल ईथर, इफ यू कंपेयर बोथ द एग्जाम्पल, सो वॉट यू आर टू सीन, सो बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। ओके, लेकिन उनका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मिलेगा। ओके, सो दिस इज अल्कोहल इथेनॉल एंड दिस इज डायमिथाइल ईथर, इवन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इन फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आपको समझ में आया होगा, इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर का अगर हम कंपेयर करेंगे, सो इथेनॉल इसका फंक्शनल ग्रुप अलग है OH और इसका ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सो अल्कोहल वी आर यूजिंग इन अल्कोहलिक बेवरेज एंड डायमिथाइल ईथर वी आर यूजिंग एज एनेस्थेटिक। ओके, सो इन दोनों का यूजेस भी अलग है और अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ए आइसोमेरिज्म। ओके, सो और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिज्म का। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ओके, अगर सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके बच्चों, सो दिस इज व्हाट ब्यूटेन, स्टेट चेन कंपाउंड है ये, एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, एन ब्यूटेन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम आइसोब्यूटेन का, CH3 CH, now it's CH3 और ये हुआ CH3। ओके, सो ये कौन सा कंपाउंड है, आइसोब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है तो हम इसको आइसो ग्रुप कहते हैं, आइसोब्यूटेन। ओके, अगर आप दोनों का कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे ब्यूटेन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन मीन्स C4। हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं 3 + 3 6, दिस 4 10, C4H10। सो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, वेरी सिंपल, C4H10 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का देख लो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन C4। हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं 3 + 3 + 3 9 हुआ और 1 10, C4H10। ओके, सो दीज आर द आइसोमर्स, राइट। सो द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव द
डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ओके सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है सो जो आइसोमर्स कहलाते हैं, ओके सो अभी हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे, ओके बच्चों सो आइसोमेरिजम्स इन डिटेल्स विल डिस्कस नाउ. आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म के दो मेन टाइप्स होते हैं बच्चों, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, ओके तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की इन डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमर देखेंगे, ओके सो अभी आइसोमेरिज्म में फर्स्ट टाइप आता है जिसके फोर टाइप्स आते हैं, ओके उसके फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म. ओके आइसोमेरिज्म के जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स. वन इज अ चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ वन इज अ मेटामेरिज्म. ये फोर टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, ओके तो अभी चेन आइसोमेरिज्म देखो, अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दैट आल्सो कंसिडर एज अ चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. हम अलग एग्जांपल ले लेंगे, ब्यूटेन पेंटेन का ले लेंगे, CH3 CH2 नाउ इट्स CH2 CH2 CH3, ओके बच्चों कितने कार्बन यहाँ पे, सो हाउ मेनी कार्बन आर हियर, फाइव कार्बन, 1 2 3 4 5, सो दिस इज एन पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन है तो हम इसको एन पेंटेन कहते हैं, या पेंटेन भी आप लिख सकते हो, पेंटेन, ओके चेन आइसोमेरिज्म का. अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे दूसरा CH3 CH3 CH2 CH3, ये हुआ आइसोपेंटेन, देख सकते हैं आप कार्बन 1 2 3 4 5, ओके दिस इज अ आइसोपेंटेन. ओके बच्चों आइसोपेंटेन, और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं न्यूपेंटेन का, न्यूपेंटेन टोटल इसमें भी फाइव कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज अ न्यूपेंटेन. ओके सो अब आप ऑल तीनों स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, अभी तीनों आपको स्ट्रक्चर अलग दिख रहे हैं, यस you are looking different structures, so this is a straight chain and pentan, now it is a branched chain, okay ye bhi branch chain mein aata hai, okay so yahan pe dekho first structure mein kitne carbon hai, yahan pe C5 five carbons hai, yes hydrogens, yes 3 + 2 + 2 + 2 + 3 kitne hue, yes C5H12, so this is the molecular formula. ओके अगर आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो टोटल कार्बन आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन हुए करेक्ट, उसके बाद हाइड्रोजन आप देख सकते हो 3 + 3 + 3 9 हुए, देन 9 10 11 12, ओके हाइड्रोजन भी सेम है, तो अभी न्यू पेंटेन आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल फाइव कार्बन आर देयर एंड यू कैन काउंट द हाइड्रोजन्स 3 + 3 + 3 + 3, ओके टोटल हाइड्रोजन हाउ मच 12. So what you have to observe students here in chain isomerisms, so if you see these three structures pentane, isopentane and neopentane, okay so what you have to observe, so these three compounds they have the same molecular formula, this is the molecular formula, hum isko molecular formula bolte hain. Molecular formula kya indicates karta hai hame, how many molecules are involved, kitne carbon hai aur kitne hydrogens hai, so this is the molecular formula, okay सो ये हुआ उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, आप देख सकते हो पेंटेन आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन का. सो इसमें डिफरेंट क्या है, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है. ओके सो दिस इज अ स्ट्रेट चेन एंड दिस रिमेनिंग टू आर द ब्रांच्ड चेन. सो आपको अलग दिख रहा है तीनों भी. सो अब इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे, चेन आइसोमेरिजम्स द टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, two or more compounds which have the same molecular formula but they have different structures is called
इज कॉल्ड एज ए चेन आइसोमर्स, उसको हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ए चेन आइसोमेरिज्म। आई होप एवरीबॉडी क्लियर चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट चेन इन देयर कार्बन स्केलेटन, ओके, वेदर इट इज स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन, ओके, सो हम इसको क्या बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ये हुआ तुम्हारा चेन आइसोमेरिज्म, ओके। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। विल डिस्कस द नेक्स्ट सेकेंड टाइप आपका आता है पोजिशन आइसोमेरिज्म, ओके। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे पोजिशन आइसोमेरिज्म। अभी देखो पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या हो सकता है, इसमें पोजिशन अलग हो सकती है, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, सिंपल। पोजिशन आइसोमेरिज्म का हम एक सिंपल एग्जांपल देख लेंगे अभी, ओके बच्चों। सो वी डिस्कस दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 OH, ओके। सो ये कार्बन आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, सो दिस इज अ प्रोपेनॉल। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसको प्रोपेनॉल, ओके। सो ये तीन कार्बन है, OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन को यहाँ पे ज्वाइन है। सेकेंड हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अभी CH3, नाउ इट्स CH OH CH3, ओके। कितने कार्बन से यहाँ पे 1 2 3, सो दिस इज ऑल्सो प्रोपेनॉल, बट वट चेंजेस इट हैव। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। सी स्टूडेंट्स, इन दिस पोजिशन आइसोमेरिज्म द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। इन प्रोपेनॉल फर्स्ट स्ट्रक्चर द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ज्वाइन टू द फर्स्ट कार्बन। हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे ऊपर, ओके। अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे ज्वाइन हुआ है, सेकेंड कार्बन पे, ओके। सो हम इसको दोनों का पोजिशन अलग है देख सकते हो। OH ग्रुप इज ज्वाइन ऑन फर्स्ट कार्बन एंड हियर OH ग्रुप ज्वाइन ऑन सेकेंड कार्बन। अब दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला देख लेंगे हम। ये हुआ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो आपको अलग लग रहा है, मीन्स पोजिशन अलग लग रही है, यस। पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, द कंपाउंड्स विच टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और आइदर कार्बन स्केलेटन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजिशन अलग होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पोजिशन ऑफ OH ग्रुप इज डिफरेंट। सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन से यहाँ पे 1 2 3, सो दिस इज अ C3। हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 1 8 C3H8O। ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का प्रोपेनॉल का। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, ओके। कितने कार्बन से 1 2 3 C3। हाइड्रोजन आप देख सकते हो 3 + 3 6 7 8 और एक ऑक्सीजन C3H8O, ओके। सो इन दिस पोजिशन आइसोमेरिज्म ऑल्सो सेम थिंग इज देयर, सो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पे अलग क्या लग रहा है, सो वट डिफरेंट इट हैव, सो दे हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। दोनों का पोजीशन अलग है, OH ग्रुप का पोजीशन अलग है। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में OH फर्स्ट कार्बन को ज्वाइन है और सेकेंड स्ट्रक्चर में OH सेकेंड कार्बन को ज्वाइन है। इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बस हाइड्रोक्सी ग्रुप ही ज्वाइन कर लो। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज, आप कौन सा भी ग्रुप यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपको चाहिए यहाँ पे क्लोरीन आप लगा सकते हो, ओके। दैट इज अ 1-chloropropane and this is a 2-chloropropane, right? 2-chloropropane. यहाँ पे भी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो सकता है। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या किया, OH ग्रुप के जगह Cl ज्वाइन कर लिया। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप यहाँ पे NH2 ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अमाइन, ओके। यहाँ पे भी NH2 ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो ओनली पोजिशन अलग होनी चाहिए, दैट्स इट, ओके। पोजिशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप रहने दो या कोई भी स्ट्रक्चर रहने दो, उनकी पोजिशन अलग होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड पोजिशन आइसोमेरिज्म। नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर? सो थर्ड पार्ट विल डिस्कस, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सो सी स्टूडेंट्स हियर इन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो यहां पे क्या हो सकता है, देखो सिंपली फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है. वेरी सिंपल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. अब यहां पे हम बात करेंगे सेम, पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे CH3CH2OH. सो यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप इज देयर, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल. अब सेकेंड एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेंगे CH3OCH3. सो दिस इज डायमिथाइल इथर, डायमिथाइल इथर. सो आपको यहां पे दिख रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और सेकेंड एग्जाम्पल में इथर फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है दोनों का. ओके सो अब हम यहां का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं. सो देखो स्टूडेंट्स कितने कार्बन है इसमें, 1, 2, C2. हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हैं 3, 2, 5 + 1, 6. C2H6 और एक ऑक्सीजन यहां पे है. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब डायमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, कितने कार्बन है देखो, 1, 2, दो कार्बन है C2. हाइड्रोजन 3 + 3, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, C2H6O. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल एंड डायमिथाइल ईथर. सो आपको यहां पे क्या अलग लग रहा है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट दे हैव द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ओके सो हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सो देखो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में डेफिनेशन इसकी कैसे लिखनी है, द टू और मोर कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं. टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. आई होप एवरीबडी क्लियर. आप अलग फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हो, आप अल्डिहाइड्स और कीटोन का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे. ओके सो यू कैन राइट द एनी एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. सो दैट इज वेरी वेरी सिंपल. अभी लास्ट पार्ट हम देखेंगे इसका, फोर्थ वन, दैट इज अ मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म, अभी मेटामेरिज्म में जनरली मोस्ट ऑफ द ईथर आर एग्जिबिटेड मेटामेरिज्म्स. मेटामेरिज्म में क्या होता है, द टू और मोर कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अल्कोक्सी ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन. अल्कोक्सी ग्रुप मीन अल्काइल ग्रुप ज्वाइन विथ ऑक्सीजन. यहाँ पे हम एग्जाम्पल अब देख लेंगे. सो सी नाउ CH3, उसके बाद ऑक्सीजन, सो यू कैन राइट CH2CH2CH3. ओके सो एक एग्जाम्पल हुआ. सो हम इस एग्जाम्पल को क्या कहेंगे, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है. सो दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर. सो दिस इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर. सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, चलो C2H5, उसके बाद ये ऑक्सीजन है, उसके बाद C2H5. ओके बच्चों, सो दिस इज डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर. ओके सो आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में मिथाइल प्रोपाइल ईथर और डाइथाइल ईथर. तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4. सो C4, 4 कार्बन है. हाइड्रोजन देख लो 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10. H10 और ऑक्सीजन एक है O. C4H10O. दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपाइल ईथर. अब डाइथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. देखो C2 मीन्स दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, C4 हो गए. हाइड्रोजन H5 10 हुआ, यस H10 और एक ऑक्सीजन. सो आप दोनों देख सकते हो बच्चों, मेटामेरिज्म का एक एग्जाम्पल है मिथाइल प्रोफाइल ईथर एंड डाइथाइल ईथर. सो बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ओके सो व्हाट डिफरेंट इट हैव, सो इट कंटेन द डिफरेंट अल्कोक्सी ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन. सो पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के इस साइड में एक ही मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा है. सो दैट मिथाइल ग्रुप ज्वाइन विथ ऑक्सीजन, दिस इज अ मिथॉक्सी ग्रुप. एंड हियर ऑक्सीजन के इस साइड में तीन कार्बन आपको ज्वाइन दिख रहे हैं. ओके 1, 2, 3, दैट इज अ प्रोपॉक्सी ग्रुप.
ओके, प्रोपाइल ग्रुप ज्वाइन ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के इस साइड में दो कार्बन के कंपाउंड है, यहाँ पे मीन्स इथॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पे इथॉक्सी, सो दोनों तरफ सेम है। ओके, और फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन के ऑक्सीजन के इस साइड में एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो दैट इज अ मिथॉक्सी ग्रुप, और सेकेंड एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के इस साइड में दो इथाइल ग्रुप है। सो क्या चेंजेस क्या है इसमें, अल्कोक्सी ग्रुप इज डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन, वेरी सिंपल। ओके, मेटामेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग अल्कोक्सी ग्रुप में यानी कि अल्काइल ग्रुप ज्वाइन विथ ऑक्सीजन डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो तुम, सो मेटामेरिज्म द टू और मोर कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सो दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट अल्कोक्सी ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन, सो यह हमारा मेटामेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात हुई हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म्स। सो मैंने बताया था आपको आइसोमेरिज्म्स के दो टाइप्स आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अभी हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में जनरली दो क्लासिफिकेशन आते हैं, सो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो पहले स्टेरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, सो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स दे हैव डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, सो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन एग्जिबिटेड बाय द अल्किन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख पाएंगे। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आर अगेन क्लासिफाइड इनटू सिस आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड होता है ट्रांस आइसोमेरिज्म, ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके बच्चों, अभी हम पहले सिस का एग्जांपल देख लेंगे, सो यहाँ पे मैं अभी एक जनरल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ओके, ब्यूटीन का, सो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। ओके, क्या नाम है इस कंपाउंड का, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। सो नंबरिंग आप देख सकते हैं, वन टू, दिस इज अ थर्ड कार्बन, फोर्थ। ओके, दिस इज अ ब्यूट टू ईएनई। ओके, फोर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एटोमिक मीन्स इट इज अ ब्यूटीन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सो इसको हम बोलेंगे ब्यूट टू ईएनई। ओके, सो अभी इसका हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे ब्यूट टू ईएनई का। ओके, पहले हम सिस देखेंगे और देन ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम साइड, सो अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इफ सेम ग्रुप इज अटैच ऑन द सेम साइड, सो उसको हम सिस बोलेंगे, ट्रांस मीन्स अपोजिट साइड रहता है। ओके, अभी यही स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सिस में सी एच डबल बॉन्ड सी एच, तो पहले हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे शो करेंगे, राइट। सो उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल शो ऑन सेम साइड, सेम साइड पे हम हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा रहे हैं, और जो सी एच थ्री ग्रुप है दैट विल शो ऑन द सेम साइड। देखो स्ट्रक्चर वही है, ब्यूट टू ये नहीं, वही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, सो दिस इज अ, हम इसको लिखते समय क्या लिखेंगे, सीस ब्यूट टू ई एन ई, सीस ब्यूट टू ई एन ई। ओके, सीस मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, सो सेम साइड में सेम हाइड्रोजन मीन्स सेम ग्रुप कौन सा भी अटैच रहता है उसको हम सीस पोजिशन बोलते हैं। देखो अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऊपर आपको दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सो बिलो ऑल्सो विल गेट अ सेम ग्रुप, दैट इज अ सी एच थ्री ग्रुप। अभी हम ट्रांस की बात करेंगे, ये देखो अभी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, अभी क्या होगा इस पर अपोजिट ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच करेंगे, यहाँ पे सेम ग्रुप विल अटैच ऑन अपोजिट साइड लाइक दिस, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो। तो पहले क्या थे, दोनों हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में थे, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक सी एच थ्री दिख रहा है, मीन्स दीज आर द अपोजिट,
ट्रांसमिट अपोजिट. ओके, सो सिस आइसोमेरिज्म में क्या दिख रहा है आपको, सेम ग्रुप विल अटैच ऑन सेम साइड. ट्रांस आइसोमेरिज्म में सेम ग्रुप विल अटैच ऑन अपोजिट साइड. सो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ट्रांस. ट्रांस पोजिशन ये, तो ट्रांस लिखेंगे. और ये सेम ब्यूट टू ई एन ई, ब्यूट टू ई एन ई. ओके, सो ये हुआ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय ओनली अल्किन. अल्किन में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखता है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ जाएंगे. क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ओके बच्चों, इंस्टीट्यूट आइसोमेरिज्म में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ओके, सो वेरी सिंपल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स विच कैन पासेस द प्लेन पोलराइज लाइट एंड दे कैन रोटेट द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट होता है, मीन्स राइट हैंड साइड रोटेट होता है, हम उसको डेक्सट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं. और जो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होता है उसको हम लेव रोटेशन बोलते हैं. ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होता है. जैसे कि अब एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दूंगा, COOH CH3. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड. आप यहाँ पे OH ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड दिस इज अ CH3 ग्रुप. ओके बच्चों, दिस इज एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड. इस लैक्टिक एसिड में आपको क्या दिख रहा है, देखो अभी लैक्टिक एसिड. सो असिमेट्रिक कार्बन इज देयर. सो ये सेंटर कार्बन है और इसको फोर ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं आपको. ओके, सो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन ग्रुप है. सो दैट इज असिमेट्रिक कार्बन. सो ऑप्टिकल आइसोमर कब होते हैं, जब असिमेट्रिक कार्बन होता है. दैट इज अ कायरल कार्बन भी बोलते हैं हम उसको, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. ओके, एंड दिस शोज द मिरर इमेजेस, दिस शोज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ये मिरर में आपको अलग दिखेगा. जब हम इसी मॉलिक्यूल को मिरर में देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा ये मॉलिक्यूल, देखो ये COOH ग्रुप एज इट इज ऊपर दिखेगा, ये CH3 यहाँ पे दिखेगा, ये OH आपको इस साइड में दिखेगा. सो दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप विल शो दिस साइड एंड हाइड्रोजन विल शो दिस साइड. सो ये मिरर इमेजेस आपको दिखेंगे. ओके, सो मीन्स ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दे कैन शोज द मिरर इमेजेस एंड दे कैन रोटेट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स. अभी डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, एक्चुअली डेक्स्ट्रो इज अ ग्रीक वर्ड, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड. डेक्स्ट्रो का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड साइड. ओके, जो मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होते हैं हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेशन बोलते हैं और उसको हम डी या प्लस में डिनोट करते हैं. ओके, और लेव रोटेशन का सेकंड का एग्जांपल है लेव रोटेशन, लेव रोटेटरी मॉलिक्यूल्स. लेव रोटेटरी हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एल और माइनस चार्ज. अगर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेव रोटेटरी का एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो सेम एग्जांपल आप लिख सकते हो, दिस इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस लैक्टिक एसिड और लेव रोटेटरी में एल और माइनस लैक्टिक एसिड. ओके, आप कौन सा भी एग्जांपल लिख सकते हो, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन आल्सो. ओके, टू क्लोरोब्यूटेन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स का. ओके, दिस आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो आप यहां पे देख सकते हो CH3 Cl, नाउ इट्स हाइड्रोजन. ओके, यहां पे आप C2H5. सो देखो स्टूडेंट्स, सो इस कार्बन इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ऑल डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर. देखो यहाँ पे ये सेंट्रल कार्बन है, दिस इज अ कायरल कार्बन. ओके, सो दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, CH3 है, देन Cl C2H5H, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट हियर. सो दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, राइट, एंड दे कैन शोज द मिरर इमेजेस. अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा आपको ये मॉलिक्यूल्स, ये कार्बन तो एज इट इज दिखने वाला है आपको. ओके, दिस CH3 ऑल्सो एज इट इज, नाउ दिस C2H5 ऑल्सो एज इट इज इथाइल ग्रुप. ये क्लोरिन आपको यह इस तरफ दिखेगा, Cl विल लुक दिस साइड एंड हाइड्रोजन विल लुक दिस साइड. ओके, सो दिस इज अ डेक्स्ट्रो रोटरी मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ लेव रोटेटरी मॉलिक्यूल्स.
सो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स में ऑलरेडी मैंने बताया आपको इसके दो टाइप्स आते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लो रोटेटरी। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो राइट हैंड साइड रोटेट एंड लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होते हैं, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वेरी सिंपल। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या बताया आपको, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट हैंड साइड, ओके, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, द मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो रोटेशन। एंड द मॉलिक्यूल विच कैन रोटेट्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, that is called as a Leo rotation. Dextro rotation हम कैसे denote करते हैं, that can be denoted as, dextro rotation will denoted as D, और इसको हम plus में भी denote करते हैं, right? और Leo rotation will shown small l or minus. अब example same लिख सकते हैं, 2-chlorobutane का ही, this is example of 2-chlorobutane, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, दिस इज अ सेकेंड, और ये दो कार्बन है, 3-4, सो सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन ज्वाइन हुआ है, टोटल 4 कार्बन मीन्स 2-chlorobutane, सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इवन लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हो, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, एंड दे कैन शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है और लेओ रोटेशन क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है उसको हम racemic मिक्सचर बोलते हैं, जो 50% dextro rotation शो करता है और 50% leo rotation शो करता है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक racemic मिक्सचर। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये इतना याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे आर क्लासिफाइड टू टू टाइप्स, वन इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अनदर वन इज अ लेओ रोटेटरी, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एवरीबॉडी क्लियर। आइसोमेरिज्म का हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज डिस्कस किया है, तो आइसोमेरिज्म के दो क्लासिफाइड हमने देखे थे, फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिस्कस किया हमने, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स डिस्कस किए, वन इज अ चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज अ पोजिशन आइसोमेरिज्म, देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट डिस्कस करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में क्या डिस्कस किया हमने, सीस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, ओके, सीस मीन्स क्या होता है, जिसमें अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम ग्रुप विल ज्वाइन ऑन द सेम साइड, उसको हम सीस बोलेंगे, अगर अपोजिट सेम ग्रुप विल ज्वाइन ऑन अपोजिट साइड उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस, ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट, ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर पार्ट, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।